Thank you for tuning to this video. Welcome back to Pixelmojo. I hope you guys are safe and doing absolutely great. Today we'll learn to create a bouncing animation inside the After Effects. So without any further ado, let's get started. Alright guys, so सबसे पहले यहाँ पे हम एक composition create करेंगे and make sure कि आपकी जो setting है वो मेरे composition settings से match कर रही हो. Now let's create a solid. मैं इसको यहाँ पे BG की तरह यूज करूंगा एंड let's just rename it to BG. आप यहाँ पे कोई भी कलर चूज कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे ब्लू चूज किया है. Now let's create a shape and make sure कि आप यहाँ से fill को on कर लें और स्ट्रोक को यहां से आप बंद कर लें. नाउ क्रिएट अ सर्कुलर शेप एंड वी विल यूज इट एज अ बॉल फॉर द फर्दर एनिमेशन. यू कैन ऑल्सो रीनेम दिस लेयर बाय योर ओन. नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सेटिंग अप द एंकर पॉइंट. एंकर पॉइंट टूल को सेलेक्ट करिए एंड मेक श्योर कि आपने यहाँ पे स्नैपिंग ऑन रखी हो. नाउ सेलेक्ट द एंकर एंड मूव इट टू द सेंटर बॉटम. सबसे पहले हम इसके पोजीशन को एनिमेट करेंगे. जंप दिखाने के लिए एक ग्राउंड का रेफरेंस होना बहुत ज़रूरी है. सो प्रेस कंट्रोल आर और यहाँ से एक रेफरेंस लाइन आप ड्रैग कर लें. लेयर को सेलेक्ट करके उसके पोजीशन पे हम एक की लगाएंगे एट द वेरी बिगनिंग ऑफ आवर फ्रेम. मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा और ऊपर की तरफ कर देता हूँ. मेक श्योर आप सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस को एनिमेट करें. नाउ सेलेक्ट द फर्स्ट की फ्रेम और उसको कॉपी करके आप लास्ट फ्रेम पे आइए और वहाँ पे इसको पेस्ट कर दीजिए. नाउ कम टू द सेंटर फ्रेम और यहाँ पे मैं इसको नीचे लेके आता हूँ अपने रेफरेंस पॉइंट के पास. नाउ एज यूजुअल सारे की फ्रेम्स को सेलेक्ट करें, राइट क्लिक, की फ्रेम असिस्टेंस एंड इजी ईज. नाउ लेट्स मेक अ प्रीव्यू. सो आगे बढ़ने से पहले हम बाउंस फिजिक्स को डिस्कस कर लेते हैं गाइस, जिसको एनिमेशन की लैंग्वेज में स्ट्रेच एंड स्क्वाश बोला जाता है, जो कि एनिमेशन के 12 प्रिंसिपल्स में से एक है. मैं आगे चल के प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमेशन का एक डेडिकेटेड वीडियो बनाकर आपको जरूर समझाऊंगा. सो जब भी कोई ऑब्जेक्ट बाउंस करता है तो वो डिफॉर्म होता है अपनी स्पीड, वेट, मोमेंटम एंड मास के अकॉर्डिंग. नाउ एट द वेरी इनिशियल पोजीशन जहां पर ऑब्जेक्ट की स्पीड जीरो होती है, ऑब्जेक्ट अपने आइडल पोजीशन में होता है एंड यहां पर आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट में कोई डिफॉर्मेशन नहीं होता. बट जैसे जैसे वो नीचे की तरफ जा रहा होता है, इट स्टार्ट्स चेंजिंग इट्स शेप्स एंड बिफोर टचिंग ग्राउंड, जहां पर ऑब्जेक्ट की स्पीड सबसे ज्यादा होती है, वहां पर स्ट्रेच क्रिएट होता है एंड आफ्टर टचिंग ग्राउंड बॉल में स्क्वाश क्रिएट होता है. Now, जैसा कि आप देख सकते हैं इस फ्रेम में, एट द वेरी फर्स्ट फ्रेम जहां पे बॉल आइडल पोजीशन में है, वहां पे मैंने स्केल की वैल्यू एक्स एंड वाई में 100% रखी है एंड जहां पे स्ट्रेच क्रिएट होता है वहां पे एक्स और वाई की वैल्यू 80% और 120% है एंड स्क्वाश क्रिएट करने के लिए मैंने एक्स और वाई की वैल्यू 120% और 80% रखा है. ऐसा इसलिए किया है सो दैट कि बॉल का जो वॉल्यूम है वो मेंटेन रहे. याद रखिएगा, आपको बॉल के वॉल्यूम को मेंटेन रखना है, यानी अगर आप 20% स्केल डाउन करते हैं एक्स में तो वाई में आपको 20% स्केल अप करना पड़ेगा. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग गाइस. बहुत सारे लोग ये चीज करने से चूक जाते हैं और उनका एनिमेशन थोड़ा सा अनरियलिस्टिक दिखने लगता है. सो डोंट फॉरगेट टू डू इट. नाउ एज पर द थ्योरी हम बॉल के स्पीड को स्टार्टिंग और एंड में थोड़ा सा स्लो कर लेंगे विद हेल्प ऑफ अवर ग्राफ एडिटर एंड अब देखते हैं हमारा एनिमेशन कैसा दिखता है. वो इट्स कमिंग गाइस, इट्स कमिंग. ऑलराइट, सो अब हम यहाँ पे बॉल के स्ट्रेच एंड स्क्वाश को एनिमेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल प्रॉपर्टीज. Now, come to the center frame. यहाँ से आप दो फ्रेम पीछे जाइए. यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे स्ट्रेच बाय पुटिंग 80% इन द x वैल्यू एंड 120% इन द y वैल्यू. Now, come to the center frame. और यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे स्क्वाश बाय पुटिंग 120 इन द x वैल्यू एंड 80% इन द y वैल्यू. Now, move two frame forwards. And again हमें यहाँ पे स्ट्रेच चाहिए. So I will just copy and paste it. Now you can go to the last keyframe और वहाँ पे आप बॉल की जो स्केल वैल्यू है वो 100% रख सकते हैं एंड सेम एज ऑन द फर्स्ट फ्रेम. Now again as usual select all of the keyframes, right click, keyframe assistance and easy ease. Now there you go guys.
Now, to make it more smoother, आप चाहे तो यहाँ से motion blur को on कर सकते हैं. There you go. Now, for the shadow part, again select the shape layer and make sure कि आप इस shape layer के color को black ही रखें. मैं यहाँ पे एक छोटा सा शेडो का शेप बना लेता हूँ. नाउ रिनेम दिस लेयर एंड इस लेयर को सिलेक्ट करके आप अपनी बॉल की लेयर के नीचे रख लीजिए. नाउ फॉर द एनिमेशन अगेन मैं इसके स्केल की प्रॉपर्टीज में ही एनिमेट करूंगा. सो एट द सेंटर आप कुछ इस तरीके से की लगा लें. कम टू द फर्स्ट फ्रेम, यहाँ पे मैं इस शेप लेयर को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ. एंड मेक श्योर कि आप सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सेस में ही एनिमेट करें. नाउ आई कॉपी दिस की फ्रेम और मैं लास्ट की फ्रेम पे भी इसको पेस्ट कर दूंगा. Now, as usual, select all of the three keyframes and keyframe assistant, easy ease. And one of the most important thing, guys, क्योंकि हमने ball के animation को starting में slow रखा था, so मुझे shadow के animation को भी starting में slow रखना पड़ेगा, so that कि इन दोनों के animation properly match हो. So I'll select the shadow layer. ग्राफ प्रॉपर्टीज ऑन कर लीजिए और मैं स्टार्टिंग में इसको कुछ इस तरीके से स्लो कर दूंगा एंड एंड में भी मैं एनिमेशन को कुछ इस तरीके से स्लो कर दूंगा विद द हेल्प ऑफ ग्राफ एडिटर. नाउ लेट्स मेक अ प्रीव्यू. नाउ दिस इज हाउ यू क्रिएट अ बाउंस एनिमेशन इनसाइड द आफ्टर इफेक्ट्स. नाउ सबसे जरूरी चीज, आप इस टेक्निक को किसी भी ऑब्जेक्ट के बाउंस को क्रिएट करने के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं. So this is my first tutorial on YouTube, guys. I hope you like this video. Please provide your valuable feedback in the comment section down below. Main future mein aise interesting videos aap log ke liye lata rahunga. Till then, namaste, adab, sat sri akal, goodbye friends. I'll see you in another video. Peace out.